आप रुके, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास रहिएगा और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगी, इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है, ठीक है? चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम सर, मैडम सर देखिए, आपको ना होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ लिए ना आप हमारी बात को? अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हाँ आपके साथ खड़े हैं। क्या ये सब कुछ गेंदा ने किया? जी सर, इस सारे फसाद की जड़ गेंदा जी है, लेकिन वो सब बाद में, आप पहले अपना सेफ खोलिए सर, प्लीज। सेफ सर प्लीज, वक्त बहुत कम है। बेटा आप ये रुके मत है, हमारे आंखों में आके देखिए, हम आंखों में आके डाल के हमसे बात कीजिए। हमें ये बताइए, आप अनु भैया से प्यार करती है ना मैडम सर? देखा, हमको पता था आप प्यार करती है, हमने देखा है। मैडम सर देखिए, आप आँख बंद नहीं कर सकती, आप आँख बंद नहीं कर, आप उठिए हमसे बात कीजिए, हमने देखा है, वो आपसे प्यार करते हैं मैडम सर, वो आपसे प्यार करते हैं। हम अम्मा जी से बात करेंगे, आप आएंगी ना शादी करके घर पे, आप आएंगी ना। सुनिए हमारा बात, सुनिए, प्लीज हमसे बात कीजिए, आप हमारी आंखों में आके देख के बात कीजिए आप, और हमें तो अभी बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं ना साथ में। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे बात कीजिए, बस आई रहे अनुभव भैया, वो एंटीडोट लेकर आ रहे, बात कीजिए हमसे। मैडम साहब, मैडम सर आपको होश में रहना है, प्लीज आपको होश में रहना है, आपको हमें माफ कर दीजिएगा, आपको नहीं मानना लेकिन मैडम सर कहीं कुछ मिला आपको? नहीं पुष्पा जी, हमने भी सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर, समझ में नहीं रहा क्या करें। हे माँ, मैडम सर की रक्षा करना अब आप ही के हाथ में, कुछ कीजिए। मैडम सर प्लीज उठ के नहीं उठे रहिए प्लीज नहीं सुने, अनुभव भैया आते होंगे। बात को
हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको मारा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपको होश में रहना, आप एक काम कीजिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, मारिए हमें, मारिए मैडम सर, जी मैडम सर, प्लीज रुकिए, करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, वर्दी टोन, यस, मैडम सर, मैं संतू। आराम से, आराम से। मैडम सर, अब कैसा लग रहा है आपको? देखा, हमने कहा था ना, हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं हुआ, बस अब आप थाने में आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपसे लड़े नहीं ना बहुत दिन तक, तो हमारे पेट का हाजमा खराब हो गया एकदम से। डायलॉग बाजी का भी देखिए ना, हमको मौका नहीं मिल रहा है। आप अब वापस आ जाइए तो फिर सबको लगेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है। वेलकम बैक मैडम सर, आपके साथ इतनी सारी दुआएं थी तो कैसे आपको कुछ हो सकता था? हमारे शिव जी का आशीर्वाद भी था। हम सबको ना बहुत जरूरत है आपका मैडम सर, हम सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। आप ऐसे करके ना हम सब लोग को मतलब ऐसे डरा ही दी थी, एकदम जान निकल गया था हम लोग। हमने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पुण्य किए थे कि इस जन्म में हमें ऐसी बेटी मिली जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर ना जाने कितनी बेगुनाह जाने बचाई है हमें। ना सा जो कुछ भी इसने किया है और हिंदा ने जो किया उसके लिए हम उतना ही शर्मिंदा हैं। खैर, अगले महीने हम अपने स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्कूल का नाम हमने अपनी बेटी हसीना के नाम पे रखा है, जहां हम गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे और उस शिक्षा के मंदिर से करिश्मा और हसीना जैसी कई लड़कियां निकलकर इस देश का नाम रोशन करेंगी। दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू मानसे। आप सबके लिए हसीना जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। आप जैसी बहादुर और निडर ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। थैंक यू सर। अम्मा, हमने तो पहले ही कहा था, अनु भैया में इतना भी कोई क्वालिटी नहीं है जो मैडम सर अपने होने वाले पति में ढूंढ रही है। अब सबकी अकल से पर्दा हट गया। हाँ, अगर जो भी हो, डीएसपी सर के मिशन वाले प्लान की वजह से मैडम सर का दिल टूट गया है और वो उनके चेहरे पे साफ नजर भी आता है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैडम सर का दिल टूटा है, कहीं शराब पीना ना शुरू कर दे वो। नहीं संतु, शराब काहे पियेंगी मैडम सर? नहीं, मैं जानती हूँ जिन लोगों का दिल टूटता है ना वो अक्सर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तुमको सब पता है? हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही है। हमारे ना एक दूर के चाचा जी थे, ब्रेकअप होने के बाद से ना पास के ठेके से शराब पी कर ना दूर दूर नदी नाला से समेटे जाते थे ऊपर। देखा मैडम, यहाँ आसपास कितने सारे नदी और नाले हैं, मैडम सर को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। उफ, माँ। मैडम, मैडम, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं भी आता है ना, वो दो तीन पैग के बाद से ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश बोलने लगता है। क्या पुष्पा जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, पुष्पा जी को ना पता होगा कि कभी कभी घर में अंग्रेजी बोल देती है, एक दो लाइन दारू पी के बोलती होंगी और का। एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब हम तभी अंग्रेजी बोलते हैं जब हम लगा लेते हैं? बिना लगाए इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं क्या पुष्पा जी? वेट वेट, आई टेल वेरी मच इंग्लिश प्रॉपर। ऐसे नहीं लग रहा अंग्रेजी नहीं दो चार लगा लियो आज। बाहर निकलो, बाहर आइए। क्या
बाहर निकलिए, आज तो इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। हाय मैया की सासू मैया, क्या चल रहा है ये सब? हाँ मैडम, क्या ये थाना है आपका? घर का किचन नहीं है जो आप उठा के ले आई हैं यहाँ पे? पूरा किचन हमारा डब्बा जो यहाँ आ गया, पति हैं ये हमारे। अरे क्या मेरा, क्या तुम्हारा, सारे संसार है सबका। दारू अभी तक चल रही है, चखना खत्म हो गया कब का। बाप रे, तो जहरीला सायर है। फिर शायरी घटी बीवी, दारू हमने पी है और ये तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, पकड़ो अच्छे से मारो। अम्मा ये थाना है आपका, घर नहीं है जो आप खुलेआम अपना पति को ऐसा पीट रही हैं। बताएंगी मैटर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बताएंगे मैटर मैडम, जरा दो गज की दूरी तो बनाएं आप। सोशल डिस्टेंसिंग, हम जब भी दारू लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो दो गज की दूरी बना के रखते हैं। चुप, बताइए अब मैटर का है। हाँ तो मैडम, मैटर ये है कि ये हैं हमारे पतिदेव अशोक। इनके पिताजी ने इनको विरासत में 25 दुकानें दी थी, 5 बेचकर सारा का सारा पैसा इन्होंने दारू में उड़ा दिया। अच्छा, तो मतलब अभी 20 दुकानें बची है बेचने के लिए। अरे मैडम, आप एकदम अपने वाली हो। नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना, तो जो लॉजिक होता ना लॉजिक, उनसे इन्होंने ना दो गज का दूरी बना लिया था जो अभी तक बना हुआ है। अरे हम आपको बताते हैं, ये हमारा खून पीती है और हम पीते हैं दारू। इफ आई रिस्पेक्ट हर चॉइस, शी शुड रिस्पेक्ट माई चॉइस ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे बाप रे बाप, इसका अंग्रेजी भी एक खंभा डाउन है। इनकी एक और चॉइस बताएं आपको, ये बिस्तर पे सोना चूज नहीं करते हैं, कभी गली में कभी नाले में पड़े हुए मिलते हैं ये हमको। आज सुबह गली के कुत्ते के माथे को चूम चूम कर कह रहे थे, करीमा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा, तो कुत्ते का नाम गरिमा होगा? गरिमा हमारा नाम है। ओ अरे मैडम, आप तो एकदम अपने वाली हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि जानवर में भी हमको इन्हीं का चेहरा नजर आता है, लेकिन इनको हमारे अंदर जानवर नजर आता है। तू कितनी खूबसूरत है मेरी नजरों से देख, चना खत्म हो गया जाके जल्दी जल्दी पापड़ सेक। मैडम, गरिमा जी, आपको ना पूरा हक है कि आप अपने शराबी पति को ना मारे। हम कहते हैं इतना मारिए, इतना मारिए कि सब शराबी पतियों को पता चले कि शराब कितना गलत चीज है, पूरा जिंदगी खराब कर देता है। चीते एक लॉक अप खोलो, खोलो, खोलिए 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 इसको। एक मिनट का, जल्दी खोलो। मैडम, इसमें ये वाला ताला का चाबी तो है ही नहीं। चाबी नहीं है का क्या मतलब है? चाबी कहाँ है? चाबी तो ये रही। देखो जल्दी से चाबी दो, वरना जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहोगे। हाँ वेरी गुड, लेकिन रोज शाम को हमको लिटिल लिटिल देते रहना, ठीक है? देखो ऐसा है, जब तक तुम्हारा बीवी तुमको पीट रहा है ना, तो पिट जाओ, नहीं तो हम पीटने पे आ जाएंगे ना, तो ये जो सब ताले है ना बिना चाबी के खुल जाएंगे, समझो हमारी बात को। चाबी चाहिए? हाँ चाहिए, ये लो। शराबी पति अपने पत्नी से बचने के लिए चाबी निकल गया। अजीब, how much I braved and saved। अब चाबी कैसे मिलेगी? सुबह में जब इसका पर्सनल ताला खुलेगा ना, तभी ताला खुल पाएगा, हम लोग समझ तो रही है ना। नहीं, अरे क्या नहीं, कल सुबह जब मैडम मैडम हम समझा देंगे फोन करके उनको। करीमा जी आप प्लीज हमारे साथ आइए, आइए चलिए चलिए। थोड़ा सा प्याज टमाटर मिर्ची हो जाता ना मसाला डाल के, तो चाबी का टेस्ट आ जाता। देखो करीमा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम तुम्हारे पति का ये दारू का लत छुड़वा दें? हाँ मैडम, लेकिन मैडम इस आदमी में दारू इस तरह भरी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। मैडम प्लीज,
कैसे भी करके कुछ भी करिए, लेकिन हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो तुम एक काम करो, अपने पति को दो चार दिन के लिए लॉकअप में छोड़ो, हम ये जो दारू का लत है ना उसको ये छुड़वा देंगे। पक्का? हाँ पक्का। मैडम अगर आप सच में ऐसा कर पाई ना तो हम आपकी फोटो बना के उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, हम उस पर धूप चढ़ाएंगे और रोज आपकी पूजा करेंगे मैडम, सच में। सॉरी, हमारा मतलब है भगवान की फोटो पे फूल चढ़ाएंगे। वो क्या है ना मैडम, घर का माहौल बहुत खराब रहता है इनके नशे की वजह से, हमारा एक छोटा बेटा भी है, सोचिए ना क्या असर पड़ता होगा उस पे। समझ रहे तुम्हारा घर का हालत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, हम ये दारू का लत ना छुड़वाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक आदमी हमारे थाने में आया, खुद को लॉकअप में बंद कर दिया, चाबी निगल गया। आप लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? अरे गप्पे मार रहे थे मैडम। चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैडम सर, हम आपके और डीएसपी सर के बारे में बातें कर रहे थे। वो मतलब ये कि कैसे एंड वक्त पे डीएसपी सर ने एंटीडोट लाके आपकी जान बचाई, वो ऐसी आ रही थी संतू। मैडम सर नहीं, वो ये जो शराबी है ना, इसका शराब का लत हम छुड़वा देंगे। अच्छा, कैसे, कोई तरकीब है आपके पास? नहीं, इसमें तकरीब का क्या जरूरत है? मैडम तरकीब? हाँ संतू, हम तकरीब ही बोले। तरकीब? पुष्पा जी आप ढंग से नहीं सुने हैं, हम भी तकरीब ही बोल रहे हैं। मैडम सर इसमें तकरीब का कोई जरूरत नहीं है, लॉकअप में रखेंगे तीन चार दिन ना, बिना दारू के तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर पुलिस का इतना डर बना देंगे ना इसके अंदर कि उस शराब से कभी ग्लास नहीं भर पाएगा ये शराबी। करिश्मा सिंह, उस शराबी की शराब की आदत छुड़वाना उतना ही मुश्किल है जितना आपका लात घूसे की आदत छुड़वाना है। बिल्कुल सही मैडम सर। हमें लगता है इसका एक ही ऑप्शन है, काउंसलिंग। उसे समझाना होगा कि शराब कितनी खराब चीज है, उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और वो काम उसे यहाँ रखकर नहीं हो सकता, उसे लॉकअप में रखने का कोई फायदा नहीं। अरे जल्दी खोलो, हमको जाना है। अरे हमको बाहर जाना है, टॉयलेट निकालो। ए, क्या बोल रहे हो बे? अरे हमारा मतलब है हमको बाहर निकालिए, हमको टॉयलेट जाना है। शराब पीने के बाद इतना घटिया घटिया थर्ड क्लास शायरी सोच लेते हो, ये चीज अगर पहले सोचे होते तभी कहीं बैठ के सोच कर रहे होते तुम बेटा। अरे मैडम सर हमको बाहर निकालिए, टॉयलेट जाना है। अब क्या किया जाए? आज हमें बिल्ले की बहुत याद आ रही है। पुष्पा जी, टॉयलेट से सीधा आपको बिल्ला का याद आ गया, क्या रिश्ता है दोनों का? नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब ये कि अगर आज बिल्ला यहाँ होता ना तो हमें इस मुसीबत से तुरंत छुटकारा मिल गया होता। और हम चले आते। ये क्या हो गया तुमको बिल्लू? What happened? अरे बिल्लू जी, आपका जो वो ऑल इंडिया चोर कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था खत्म हो गया? यस यस खत्म हो गया, और मुझे उसमें ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, मुझे ईयर ऑफ द चोर अवार्ड मिला है। हाँ हाँ यही मिला है, ये देखो ये वाला। यस सो All everybody is my chore community. वहाँ मैंने ऐसा स्पीच दिया था, विनिंग स्पीच। पहले तो मैं अपने कोचोर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरा जज्बा बढ़ाया है। मैडम सर जिन्होंने मुझे हमेशा घटिया निकम्मा नाकारा समझा, उसी के चलते मुझे अपने थाने में अपना बिल्लू निवास बनाने के लिए दिया है, तो उनका धन्यवाद। You can't believe, मुझे और एक पुरस्कार से नवाजा गया है। हाँ भाई रुकना, बताता हूँ उसका नाम है हैंडसम चोर।
जूरी ने मेरा हेयर स्टाइल और मेरा स्माइल देखकर मुझे अवार्ड दिया, ये छोटू सा। हो गया हटाओ अभी, हटाओ ये सब, हटाओ, रखो ये चीज, रखो आराम से, मेरा अवार्ड है, आराम से, ठीक से। हाँ ठीक है, रख दिया। अब ये अपनी अकल का प्रदर्शन बाद में करना, पहले अपनी कला का प्रदर्शन तो करो। ये ताला खोलो। ओ पुष्पा जी, ये तो मैं खोल दूंगा, लेकिन हमारे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में तय हुआ है कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं करनी है। अगर ये ताला मैं खोल देता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, देंगे ना, हम देंगे। अरे भैया, आप जो बोलोगे मैं सब दे दूंगा, तो पहले ये ताला तोड़ दूंगा। अगर अंदर के ताले टूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आप मुझे पक्का दे दोगे ना? अरे दे दूंगा। देखो, हाँ, तो मुझे अपने इस लॉकअप के लिए अच्छे से मैट्रेस चाहिए। अरे दिए दिए। पक्का? पक्का। लॉक करूँ? अरे करो नहीं, लॉक खोलो। हाँ खुलता हूँ, खुलता हूँ। संतोष जी, गिव मी पिन। दे दो वो, ये लो। ओह थैंक यू पुष्पा जी। अरे जल्दी करो भाई। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो भाई। देखो भाई, ये ताला जब तक नहीं खुलता ना, तुम एक काम करो, वहां जाओ और सर नीचे पैर ऊपर, मतलब दिशा बदल जाएगी ना तो अंदरूनी जलवायु परावर्तित हो जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ का मौसम बदल जाएगा। अब ठीक है आप? हाँ अच्छा लग रहा है। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? देखिए अशोक जी, हम आपसे आपकी शराब की लत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए हमें, आप कितनी पीते हैं शराब? ज्यादा नहीं, एक आध बार। हफ्ते में? ना ना, दिन में, फिर रात में, फिर दिन में, फिर रात दिन और दिन रात, बस। हाँ लेकिन नाश्ते में हमेशा अवॉइड करते हैं। हाँ ऐसा क्यों? अरे ठेके तक भी तो जाना होता है ना, कहीं रास्ते में लुढ़क गए तो इज्जत खराब हो जाती है ना, है? अच्छा और एक बात बताइए हमें, आप कब से पी रहे हैं शराब? कब से? आज शाम 6 बजे से प्लान है, रात तक। वो क्या है ना, जैसे सन डाउन होता है ना, हम थोड़ा अप हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं पूछे, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कब से पी रहे हैं शराब? अच्छा कब से? जब बच्चन साहब की फिल्म आई थी ना शराबी, तब से। He inspired me a lot. एक मिनट, 1980? आप तब से शराब पी रहे हैं? ए यार, पैदा होने की सीधा बात, दूध के बोतल में दारुए भर के पी गए थे क्या तुम? अरे नहीं नहीं, कहा है कि 2010 में ये शराबी फिल्म टीवी पे आई थी, बस तभी से हमने पीना शुरू कर दिया। हम भी 10 दिन पहले टीवी पे देख रहे थे मर्डर, नहीं बस बता रहे हैं। अरे तुम भी तो पीते हो? फालतू इल्जाम है, क्या क्या पीते? हमने पीते? अरे हमने टीवी में देखा, चीता भी पीता है, इसीलिए हम तुमसे पूछे कि तुम भी तो पीते हो। जोक। ऐसे हम अपने मजे के लिए पीते हैं। अच्छा तुम्हारे लिए जो मजा है वो तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी बड़ी सजा है तुम जानते हो? अरे हरगिज नहीं है मैडम। देखिए क्या है कि हम पी रहे हैं लगातार 10 साल से, लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा, ना कभी गाली गलौज की, और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। और जो तुम्हारा बीवी तुम्हें नाले गटर से उठाकर लाती है उसका क्या? अरे तो काहे उठा के लाती है हमको ये बताइए। आपको पता है हर शराबी का एक कम्फर्ट जोन होता है, भाई हम अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से कहीं भी गिरे पड़े किसी को क्या मतलब है? हम अपनी पत्नी को कितनी बार समझाया कि हम जब गिरे होते हैं तो हमको ना उठाएं, लेकिन वो मानती नहीं है। अब आप बताइए हम क्या करें? कहा था मैडम सर को लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसका इलाज तो लातों से ही करना होगा।